हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज जो क्लास हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पे कहा गया टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री और टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। जहां आप कंडीशन दिया, कंडीशन ये दिया है कि ए एंगल ए और एंगल बी का जो मान होगा, ए प्लस बी जो मान होगा वो जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या हुआ, कम या बड़ा होगा। यानी हम बोला ए प्लस बी जो होगा वो क्या हो, वो जीरो से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 90 से क्या हो, बराबर या छोटा हो। कंडीशन अगला कंडीशन ये भी है कि आपका जो होगा ए और बी, जिसमें ए बड़ा होगा और बी उसे छोटा होगा, तो आप लोग ए और बी का मान जानते हैं। देखते हैं दिया हुआ टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री। इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री का मतलब टेन 60। कोई दिक्कत, रूट थ्री को हम टेन 60 लिख देंगे, बात वही है। इसका वैल्यू रूट थ्री क्या होता है, टेन 60 वैल्यू का रूट थ्री होता है। अब यहां ये भी टेन, ये भी टेन, जब दो बराबर है तो टेन यहां पे टेन है, मतलब ये ए प्लस बी क्या हुआ 60 डिग्री हुआ। यहां पे क्या हुआ, तो यहां ए प्लस बी क्या हुआ, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मानते इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा मेरे पास है टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन कितना लगे, टेन 30, टेन 30 को 1/√3 होता है। अब यहां भी टेन, यहां भी टेन, ए माइनस बी, ये भी क्या हुआ, ए माइनस बी होगा, यानी ए माइनस बी बराबर कितना हुआ 30 डिग्री। इक्वेशन यहां तक, यहां देखिए इसे, यहां तक कोई दिक्कत। हम क्या किए, उसने टेन ए प्लस बी दिया था, टेन ए प्लस बी लिखे, √3 दिया, और टेन ए प्लस बी √3 का मान कितना होता है 10/60। इसको हटा दें, इसको रिप्लेस करके यहां क्या दिया हम 10/60 दे, जब दोनों वैल्यू सेम है, इसको यहां से हटाए, यहां पे कौन फिक्स कर दिया 10/60 फिक्स कर दिए। अगला है, अगला फिर ए प्लस बी इसको 60 मिल गया हमको, क्योंकि जब टेन यहां भी टेन बराबर दोनों आपस में, तो एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर, तभी संभव है, वरना संभव तो है नहीं। तो ए प्लस बी क्या है 60 डिग्री हो गया। अगला दिया हुआ टेन ए माइनस बी इसको 1/√3, टेन ए माइनस बी 1/√3 को हम हटा के हल, हम क्या, हम इसे 10/30, 10/30 मान कितना होता है, 10/30 होता है 1/√3। यहां पे इसको रिप्लेस किए, यहां 33 में, तो यहां 10, यहां भी 10, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी क्या है 30 बराबर है, तो ए माइनस बी इसका 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसको, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन टू हम करें, हम समीकरण ए प्लस समीकरण हम दोनों ऐड करते हैं, दोनों को हम यहां पे ऐड करेंगे, ए प्लस बी 60 और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगी, ऐड करें ए प्लस ए कितना 2a, ये ऐड नहीं क्या कट जाएगा, बराबर 60 और 30 90, यानी ए इसका तो मेरे पास क्या आ गया, ए इसका तो 90/2 यानी 45 डिग्री, यानी मेरे पास ए आ गया 45 डिग्री। जब ए 45 डिग्री है, समीकरण एक में एक मान रखिए, समीकरण एक में क्या करो, एक में ए का मान बैठाने पर, ए का मान यहां पे पुट कर दो बैठाने पर, कितना है एक मान कितना 45, यानी 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी कितना होगा 60 डिग्री माइनस 45, प्लस डाल के माइनस, तो बी कितना हो जाएगा, अतः ए इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री और बी इक्वल टू 15 डिग्री। अगर आप दोनों जोड़ते हैं ए प्लस बी कितना पूरा 60 डिग्री पूरा, उसने कहा दिया था कि ए प्लस बी जो वैल्यू निकलना चाहिए होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 से कम और जीरो से बड़ा, या तो 90 से कम या 90 के बराबर होना चाहिए। यहां पर मेरा 15 और 45 60 डिग्री, यानी 90 से कम है, यानी ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी बराबर
15 डिग्री।